ऋषिकेश में गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निगम यूएनडीपी के सहयोग से महिलाओं के समूह को मेयर ने सिलाई मशीन भेंट की। नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए समय समय पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह महज सिलाई मशीन ही नहीं बल्कि जीवन के स्तर को सुधारने के लिए एक हथियार साबित होगा। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। ऋषिकेश नगर निगम को प्लास्टिक मुक्त करने की जो हमारी पहल चल रही है, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करने की जो पहल है, उसके तहत यूएनडीपी ने जो वहाँ पे हमारे उन्नति स्वयं सहायता समूह की जो मेरी बहनें हैं वहाँ पे जो काम कर रही हैं, वो थैले बनाने का काम कर रही है। इससे पहले वो हाथों से वहाँ पे थैला बनाती थी, उनको बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं, फिर भी वो लगातार वहाँ पे जोड़ मेहनत वहाँ पे कर रही हैं और उनके पीड़ा को समझते हुए, उनके इस समस्या को देखते हुए यूएनडीपी ने मेरे आग्रह पे ये निर्णय लिया कि इन लोगों को किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकें ताकि इनका रोज़गार भी खड़ा हो सके, ये स्वावलंबी भी बने और जिस प्रकार से भी कपड़े के अच्छी क्वालिटी के थैले यदि हम वहाँ पर सिलेंगे, अच्छे थैले मार्केट में देंगे तो लोगों के पास एक ऑप्शन बच रहेगा कि हमको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, पॉलीथीन यूज नहीं करनी है, हमको इस कपड़े के थैले का प्रयोग करना है। तो मैं यूएनडीपी की इस बहुत ही सुंदर पहल के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ, सराहना करती हूँ और भविष्य में भी नगर निगम ऋषिकेश उनसे यही आशा और अपेक्षा करता है कि वो लगातार क्षेत्र के लिए, शहर के लिए, इस विश्वविख्यात सिटी के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी मुहिम चला रखी है घर घरों में जाके लोगों को जागरूक करने के लिए,